हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्प्रिंटेड लर्निंग में, जिसमें मैं दीपक खुराना आपको साइंस के टॉपिक कंटिन्यू करवा रहा हूं, जिसमें आज अपना नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं फॉर क्लास टेंथ, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। बेटा जी, अब हमने जो पीछे चैप्टर कंप्लीट करके आए हैं वो है कार्बन का चैप्टर। अब हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। बेटा जी, वही सेम सिक्वेंस रहेगा चैप्टर का। सबसे पहले हम चैप्टर में इंट्रोडक्शन करेंगे चैप्टर का। चैप्टर के अंदर कुछ बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए, उनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। एंड देन कंप्लीट चैप्टर जो है उसको हम कंटिन्यू करेंगे कंप्लीट कंसेप्ट्स के साथ। बेसिक से लेके अच्छे लेवल तक, हाई लेवल तक हम हर कंसेप्ट को अपना कंटिन्यू करेंगे। और आज हम शुरू कर रहे हैं जो चैप्टर, उसके ऊपर सबसे पहले जो मैं आपको बताऊँगा कि इस चैप्टर का कंटेंट क्या है। सबसे पहले इस चैप्टर का क्या कंटेंट है, क्या टॉपिक हैं जिसके बारे में हमने पढ़ना है, सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा जो कंटेंट्स इस चैप्टर के अंदर रहेगा। सबसे पहले तो हम करेंगे इसका इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम चैप्टर में करेंगे चैप्टर का इंट्रोडक्शन कि क्या क्या बातें कैसे कैसे पढ़नी है। उसके बाद हम यहाँ पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशंस के बारे में कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। केमिकल इक्वेशंस में हम रिएक्टेंट हैं, प्रोडक्ट हैं, बैलेंसिंग है, फॉर्मूले राइटिंग है, काफ़ी कुछ इसमें पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम जो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स में वैसे मैं बताऊं, फोर टाइप्स हमने पढ़ने हैं केमिकल रिएक्शंस के, मेन टाइप फोर हैं। उसके अलावा कुछ सब टाइप्स हैं, सब टॉपिक्स हैं इसके अंदर अलग अलग रिएक्शंस के, वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ। हमारी एवरीडे लाइफ में ऑक्सीडेशन एक कंसेप्ट आएगा हमारे पास, आगे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। उसका हमारी एवरीडे लाइफ, जो डेली लाइफ है, जो रूटीन लाइफ है, उसमें हम क्या इफेक्ट्स देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के, उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। दो इफेक्ट इसमें पढ़े जाएंगे, कोरोजन एंड रेंसिडिटी, दोनों को कम्प्लीट डिस्कस करेंगे, क्या होते हैं, कैसे प्रिवेंशन करते हैं, क्या बेनिफिशियल है इनमें, क्या नुकसान है, सारी बातें वन बाय वन हर लेक्चर में आपके सामने आएंगी। इन टॉपिक्स को करने के बाद अगेन हम इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा जो पॉइंट्स होंगे उनको डिस्कस करेंगे अपनी क्लास में। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले अगेन मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि जो बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं, जो बच्चे इन वीडियोस को देख रहे हैं, तो प्लीज़ सबसे पहले वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इन वीडियोज़ को, हमारे चैनल को, ताकि मैक्सिमम बच्चों तक हमारी बातें, हमारा जो कंसेप्ट है वो पहुँच सके। तो बेटा जी, आगे शुरू करते हैं टॉपिक। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन से जो शुरू होगा, उसी को हम करते हैं इस चैप्टर में। इंट्रोडक्शन क्या है, कैसे हमने क्या पढ़ना है इसमें। सबसे पहला हेडिंग है हमारे पास इंट्रोडक्शन, क्योंकि बेटा जी इंट्रोडक्शन पे हम इतना जोर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि जो भी चैप्टर हम पढ़ें, जो भी टॉपिक हम पढ़ें, तो हमें कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए कि एक्चुअली ये चैप्टर क्या बताना चाह रहा है, एक्चुअली इस चैप्टर में है क्या। जब तक हम चैप्टर की इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ेंगे, नींव नहीं रखेंगे प्रॉपरली, तो उस चीज़ का अंजाम जो है, वो जो चैप्टर है उसकी जो फिनिशिंग है वो प्रॉपरली नहीं होती। इसलिए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के ऊपर फोकस करेंगे। अगेन वही बातें मैं दोबारा कहूँगा, नया चैप्टर है, नई क्लास है, तो जो भी बच्चे इन वीडियोज़ को देख रहे हैं वो कम्प्लीटली अपने नोट्स को बनाएं, हर एक बात को अपना, जैसे ट्यूशन सेंटर पे आप करते हो, क्लासरूम में करते हो, वैसे ही आपने इसको एक ऑनलाइन क्लास को, ऑनलाइन वीडियोस को ऑनलाइन क्लास की तरह समझना है, पूरे प्रॉपर नोट्स बनाने हैं ताकि एग्जाम्स में आपको इनका काफ़ी हेल्प मिले। तो सबसे पहले बेटा जी, अगर हम बात करें हमारे इंट्रोडक्शन में, इंट्रोडक्शन में एक वर्ड मैं सबसे पहले आपके सामने लेके आऊँगा, वो वर्ड है चेंज। एक वर्ड मैं सबसे पहले बात करूँगा आपके सामने, एक वर्ड है हमारे पास चेंज। चेंज का बेसिक सा मीनिंग है, सब बच्चे जानते हैं, इसका बेसिक सा मीनिंग है बदलाव।
इसका एक बेसिक सा मीनिंग है, उसका मतलब है बदलाव। कहते हैं कि हम अपनी सराउंडिंग में, हमारी डेली रूटीन में काफ़ी चेंजेस देखते हैं, काफ़ी बदलाव देखते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स भी आपके सामने रखना चाहूँ, सबसे पहले मैं एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूँ। एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन को जंग लगते देखते हैं, रस्ट लगते देखते हैं, बेसिक सा एग्जांपल है। दूसरा वो देखें, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वाटर को इवेपोरेट होते देखते हैं हम। डिजोल्विंग ऑफ डिजोल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर, चीनी को पानी में घुलते देखते हैं हम। डाइजेशन ऑफ फूड, फूड को डाइजेशन की बात करें। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स या फ्यूल्स, इनकी एग्जांपल्स की बात करें। कुछ भी एग्जांपल हम देखें, एक आधा एग्जांपल हम और भी लिख लेते हैं, इसमें बहुत से एग्जांपल हैं, हजारों एग्जांपल्स हैं। मेल्टिंग ऑफ आइस, कई एग्जांपल्स हमारे सामने हैं, डेली रूटीन के एग्जांपल्स हैं। ऐसा कोई ऐसा एग्जांपल नहीं है जो मैंने आपको बताया हो वो कोई अलग सा हो, ना देखा हो ना समझा हो, डेली लाइफ के एग्जांपल्स हैं। तो कहता है कि सबसे पहले चैप्टर को शुरू कर रहे हैं, मैंने आपके सामने एक वर्ड रखा चेंज, चेंज के कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके सामने दिए, लेकिन इनमें डिफरेंस है। इनमें जो चेंजेस हैं वो सारे कॉमन नहीं है, कॉमन इन द सेंस सेम सीक्वेंस नहीं है। मीन्स कहता है जो चेंजेस हुए हैं हमारे सराउंडिंग में, उसको हम टू टाइप्स में, टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम बात करें, कुछ चेंजेस को हम फिजिकल चेंजेस का नाम देंगे, कुछ चेंजेस को हम केमिकल चेंजेस का नाम देंगे। मेरी बात आपको समझ में शायद आ रही होगी, कुछ बच्चों ने नाइन्थ में इसको हो सकता है कि अच्छे से कंसेप्ट में पढ़ भी लिया, कोई नाइन्थ में हमारे पास ये टॉपिक था। कहता है कि जो भी चेंजेस हम देखते हैं, मैंने जो 6 एग्जांपल आपके सामने लिखे, कहते हैं कि कुछ एग्जांपल्स फिजिकल चेंज के अंदर आएंगे, कुछ एग्जांपल्स केमिकल चेंज के अंदर आएंगे। तो इनकी कैटेगरीज डिवाइड कर दी गई है। आगे केमिकल चेंजेस से हम केमिकल रिएक्शंस तक जाएंगे, केमिकल रिएक्शंस से होते हुए हम केमिकल इक्वेशंस तक जाएंगे, फिर हमारे टॉपिक की शुरुआत होगी। वही आराम से तसल्ली से हम एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे। वही बात आपको समझा रहा हूँ कि फिजिकल चेंजेस को पढ़ूंगा, एग्जांपल्स आपके सामने इसमें से मेंशन करूंगा, केमिकल चेंजेस को पढ़ूंगा, एग्जांपल को मेंशन करूंगा। केमिकल चेंजेस से होता हुआ देखो केमिकल रिएक्शन तक जाएगा, वो केमिकल रिएक्शन से होता हुआ केमिकल इक्वेशंस तक जाएगा, फिर टाइप्स, बैलेंसिंग, सारी बातें जो हैं वन बाय वन आपके सामने आएंगी। तो सबसे पहले अपने नोटबुक में आप फिजिकल चेंजेस की डेफिनेशन को लिखेंगे। सबसे पहले आप अपने नोटबुक में फिजिकल चेंजेस की डेफिनेशन को लिखेंगे। कहता है कि दीज आर दोज चेंजेस, मैं यही मेंशन कर रहा हूं आपको, ये कहता क्या है फिजिकल चेंजेस के बारे में, फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं। दीज आर दोज चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। कहता है कि ये वो चेंजेस होते हैं जिसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बना, जिसमें केमिकल कॉम्पोजिशन में सब्सटेंस की कुछ भी चेंज नहीं आया, जिसमें कोई भी केमिकली नई फॉर्मेशन नहीं हुई है, उन्हें बोलते हैं फिजिकल चेंजेस। एग्जांपल की बात करें, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, सबसे बेस्ट एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ आइस, ये वो एग्जांपल है, सबसे बेसिक एग्जांपल है। कहते हैं मेल्टिंग ऑफ आइस की बात करें, मेल्टिंग ऑफ आइस का क्या मतलब है कि H2O सॉलिड स्टेट में था, अब H2O लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया, यानी कि फिजिकल स्टेट का चेंज आया, फिजिकल चेंज हुआ सॉलिड से लिक्विड, लेकिन H2O ही पहले था, H2O ही अब है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वाटर का इवेपोरेट होना, यानी कि H2O लिक्विड था, अब H2O जो है वेपर की फॉर्म में, गैसियस स्टेट की फॉर्म में आ गया है, सॉलिड से गैसियस बन गया है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बन गया है, फिजिकल स्टेट्स का चेंज आ रहा है, बट केमिकल कॉम्पोजिशन जो आपके सामने है वो एज इट इज ही है। तो ये फिजिकल चेंजेस होते हैं जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बना है। आई थिंक सबको फिजिकल चेंज का मतलब समझ में आ गया होगा। अब आता है
जो टॉपिक वो है केमिकल चेंजेस। भाई केमिकल चेंजेस क्या हैं, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, इसकी स्टेटमेंट को भी आप लिखेंगे, इसकी स्टेटमेंट को भी आप लिखेंगे, मेंशन कर दें अपनी नोटबुक में डेफिनेशन की फॉर्म में। कहते हैं क्या होते हैं केमिकल चेंजेस, हेडिंग लिखें केमिकल चेंजेस, डेफिनेशन लिखें दीज आर दोज चेंजेस, दीज आर दोज चेंजेस इन विच, दीज आर दोज चेंजेस इन विच ओरिजिनल सब्सटेंस, ओरिजिनल सब्सटेंस लूज देयर इनिशियल आइडेंटिटी, लूज देयर इनिशियल आइडेंटिटी एंड नेचर, एंड फॉर्म द न्यू केमिकल सब्सटेंस। कहता है कि ये वो सब्सटेंसेस होते हैं, दीज आर दोज सब्सटेंसेस इन विच ओरिजिनल सब्सटेंस, इनिशियल सब्सटेंस जो है अपनी आइडेंटिटी को लूज करता है, अपने नेचर को लूज करता है और एक नया केमिकल सब्सटेंस बनाता है, नए कंपाउंड की, नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन करता है, तो उसे कहते हैं केमिकल चेंजेस, उसे नाम दिया जाता है केमिकल चेंजेस। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। जैसे बर्निंग ऑफ फ्यूल, फ्यूल है, कागज है, पेपर है, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन ऑयल है, कोई भी फ्यूल हमारे सामने है, उसको बर्न कर दिया, जला दिया, पहले वो किसी भी हाइड्रोकार्बन की फॉर्म में हमारे सामने प्रेजेंट था, किसी भी फ्यूल का जो फॉर्मूला होता है उसकी फॉर्म में प्रेजेंट था, हमने उसको जला दिया, जब बाद में H2O CO2 बन गया, केमिकल चेंज हो गया। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन की बात करें, इनिशियल आयरन जो है Fe की फॉर्म में था, रस्ट लग गया, आगे हम पढ़ेंगे यार रस्टिंग ऑफ आयरन को डिटेल में, उसका फॉर्मूला चेंज हो जाता है, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, Fe से Fe2O3 बन गया, कलर भी चेंज हुआ, फॉर्मूला भी चेंज हुआ। ऐसे कॉपर की बात करेंगे, सिल्वर की बात करेंगे, तो उनमें जब कोरोजन होता है उनका नेचर चेंज होता है, फॉर्मूला चेंज होता है। तो ये हमारे सामने जो हैं कुछ एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, सबसे पहले रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल चेंज, इवेपोरेशन ऑफ वाटर फिजिकल चेंज, डिजोल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर फिजिकल चेंज, डाइजेशन ऑफ फूड केमिकल चेंज, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स केमिकल चेंज, मेल्टिंग ऑफ आइस फिजिकल चेंज। सी केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, पी फिजिकल चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारे सामने चेंजेस का सबसे पहला टॉपिक था, इसको हमने फिनिश किया कि चेंजेस क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, एग्जांपल्स क्या हैं, डेफिनेशन क्या है। अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने से पहले फिर मैं आपको 2 मिनट कहूँगा, बेटा जी कुछ बच्चे कह सकते हैं कि बहुत स्लो चल रहा है टॉपिक, कुछ बच्चे कह सकते हैं सारी बातें हमें पता है, 9th में पढ़ चुके हैं, बेसिक सी चीज़ें हैं। बेटा जी जो इन वीडियोज़ को देख रहे हैं सारे इंटेलिजेंट नहीं है, सारों के बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो हम बिल्कुल आराम से लाइटली लेके चलेंगे। आप शुरुआत जितनी आपको आसान दिख रही है, हम उसी टॉपिक को उतने ही अच्छे लेवल पे लेके जाएंगे। आपने वीडियोस को स्किप नहीं करना है, कंप्लीट वीडियोस को देखना है। जिन बच्चों को लगता है कि उनका टाइम वेस्ट हो रहा है, आप उन चैप्टर को पूरा देखें फिर निष्कर्ष निकालें कि कितने लेवल तक आपको लेके गया है ये कंसेप्ट। तो सबसे पहले हम बात करें अपने नए टॉपिक की, नए कंसेप्ट की, उसमें देखते हैं हेडिंग क्या लगती है। अभी हमने जो टॉपिक पढ़ा है वो सिर्फ एक छोटा सा वर्ड है चेंज, उसके ऊपर हमने बात की है। इसके बाद हम अपना नया टॉपिक, नई हेडिंग शुरू करेंगे इसी इंट्रोडक्शन के अंदर ही। सबसे पहले कहता है व्हाट आर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, हमारी हेडिंग आती है व्हाट आर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अब यहां पे 2 टर्म हमने फिर पढ़नी है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के अंदर। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं बेटा जी, जब भी हमने अब केमिकल चेंजेस की बात की कि केमिकल चेंजेस क्या हैं, जिसमें ये वो चेंजेस थे जिसमें इनिशियली सब्सटेंस ने अपनी आइडेंटिटी को लूज किया, नए कंपाउंड की, नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन की, जब भी कोई भी एक केमिकल चेंज हो रहा है, जब भी कुछ भी नया बन रहा है, तो उस दौरान
अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है, रीअरेंज होते हैं एटम्स, जिसको हम केमिकल रिएक्शंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। उससे पहले हम पढ़ते हैं रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ये कहता है कि रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, तो लिखेंगे आप सबसे पहले रिएक्टेंट्स की डेफिनेशन। सबसे पहले आप रिएक्टेंट्स की डेफिनेशन लिखेंगे, बेसिक से चलेंगे हम। रिएक्टेंट्स की डेफिनेशन क्या है लिखेंगे, दीज आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस, लिखेंगे दीज आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस, दीज आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस टेकन इनिशियली। ये कहता है दीज आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच आर टेकन इनिशियली, जो इनिशियली लिए गए हैं। इनिशियली लिए जाने के जैसे मतलब फ्यूल्स है, उनको बर्न किया तो फ्यूल्स लिए, ऑक्सीजन से रिएक्ट होंगे, फिर बर्निंग होगी, कंबशन होगा उनका। तो जो इनिशियली लिया गया है कंसेप्ट, उसे हम रिएक्टेंट्स का नाम देते हैं। अब कहता है कि प्रोडक्ट्स क्या हैं। प्रोडक्ट्स की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, सिंपली है प्रोडक्ट की डेफिनेशन, सिंपल कंसेप्ट है। कहते हैं प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, दीज आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस और सब्सटेंसेस। कहता है ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो नए बने हैं, विच आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन के दौरान बने हैं, जो चेंजेस हुए हैं। जैसे बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल होता है, जब भी फ्यूल्स जलेंगे H2O बनता है, CO2 बनता है, दूसरी अदर गैसेस भी प्रोड्यूस हो सकती हैं उसके कंपोजिशन के अकॉर्डिंग। तो इट मींस जो चीज़ नई बन रही है दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट, जो इनिशियली ली गई है दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंट। तो सबसे पहले इतनी बात हमें समझ में आती है कि रिएक्टेंट क्या है जो लिए गए हैं, प्रोडक्ट क्या है जो बाद में नए बने हैं। अब इसको थोड़ा सा हम इस रिप्रेजेंटेशन दें तो कहता है कि हमारे पास ये हैं रिएक्टेंट्स और ये हैं प्रोडक्ट्स। ये एरो है, एरो क्या कर रहा है, एरो रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट्स द, एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ चेंज। एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ चेंज। ये चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि चेंज इस डायरेक्शन में जा रहा है। रिएक्टेंट थे, प्रोडक्ट बने, एरो का साइन इस तरफ है। रिएक्टेंट मैंने आपको बताया इनिशियली जो भी लिया गया है, प्रोडक्ट जो फाइनली हमारे पास फॉर्मेशन हुई है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, ये चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट जो इनिशियली लिए गए हैं, प्रोडक्ट जो फाइनली बने हैं, ये एरो डायरेक्शन ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब तक की बात हमने की, इंट्रोडक्शन शुरू किया, चेंजेस की बात की, फिजिकल केमिकल चेंज की बात की, उसके बाद हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को डिस्कस किया। इसी में मैं आपको समझाना चाहूंगा एक नई डेफिनेशन, दैट इज केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शंस को समझेंगे। कहता है कि जब भी कोई भी केमिकल चेंज हो रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं, इनिशियल सब्सटेंस से फाइनल सब्सटेंस बन रहा है, तो उस दौरान रीअरेंजमेंट होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स होता है। बॉन्ड वर्ड अभी आपके लिए शायद नया है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे बॉन्ड वर्ड को भी समझाऊंगा, क्या वर्ड बोला जा रहा है, केमिकल बॉन्ड, इसको मैं आगे समझाऊंगा। अभी एक के लिए आप इतना समझ सकते हो कि रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है, उसे कहा जाता है केमिकल रिएक्शंस। उसे क्या कहा जाता है, केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शंस के अंदर आप लिख सकते हो, केमिकल रिएक्शंस क्या है, सिंपली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ये है रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट साइड होंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट साइड होंगे, यहाँ रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंज होकर कुछ नया बनेगा, इसे हम नाम देते हैं प्रोडक्ट्स का। जब एग्जांपल दूंगा समझ में आएगा कि क्या समझाना चाह रहा हूँ। इतनी बात आपको सबको अभी तक क्लियर होगी, शायद क्लियर है सबको इतनी बात, तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं, आगे देखते हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम आपको अब एग्जांपल्स देता हूँ, देखेंगे कि सबसे पहले हम जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं अपना, बिल्कुल बेसिक से, इंट्रोडक्शन से, एनसीईआरटी से,
सबसे पहले मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखना चाहूँगा। एग्जांपल्स किसके? केमिकल रिएक्शंस के। तो सबसे पहले अब हमारी हेडिंग जो बनेगी वो क्या है? हेडिंग है एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस के एग्जांपल्स। कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने रखूँगा जो एनसीईआरटी से लिए हुए हैं। कहता है कि सबसे पहले बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। सबसे पहला एग्जांपल हमारे सामने है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। एयर में मैग्नीशियम रिबन का बर्न होना वो एक एग्जांपल है केमिकल रिएक्शंस का। क्या चेंज होता है, कैसे चेंज होता है, थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। एक एक्टिविटी भी है जो आपको बाद में समझाई जाएगी, बताई जाएगी। अब इसको हम रिएक्शंस के अकॉर्डिंग समझते हैं। कहता है कि मैग्नीशियम जो है Mg, इसका शाइनी सरफेस होता है, ये रिबन और वायर की फॉर्म में इनिशियली प्रेजेंट होता है। कहते हैं जब इसे बर्न किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एयर, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इसमें क्या चेंज आता है? कहता है कि मैग्नीशियम में क्या चेंज आता है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ये इसमें चेंज आएगा। मैग्नीशियम जब भी ऑक्सीजन से एयर से रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम के ऊपर एक लेयर आ जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, इसको हम आगे रिएक्शंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ये चेंज इसके अंदर आएगा। सेकंड अगर हम बात करें, सेकंड एग्जांपल की अगर हम बात करें, कहता है कि एक एग्जांपल इसे हम और पढ़ते हैं। कहता है रिएक्शन ऑफ जिंक विद सल्फ्यूरिक एसिड। कहता है इनिशियली हमने क्या लिया, इनिशियली हमने जिंक लिया, उसको हमने रिएक्ट करवा दिया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। कहता है कि यहाँ पे भी एक चेंज आएगा, जिंक है, मेटल है, सल्फ्यूरिक एसिड है, एक एसिड है, यह आगे बनाता है जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ गैस जो मैं चेंज बताना चाह रहा हूँ, एक पर्टिकुलर गैस से जो चेंज है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवोल्व हो रही है, जिंक सल्फेट बन रहा है, गैस का इवोल्यूशन हो रहा है। यहाँ पे एक चेंज आ रहा हमारे सामने आ रहा है कि रिएक्टेंट थे, प्रोडक्ट बने। एक आधा एग्जांपल मैं आपके सामने और रखना चाहूँ, एक आधा एग्जांपल में अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, रिएक्शन ऑफ लेड नाइट्रेट एंड पोटाशियम आयोडाइड, लेड नाइट्रेट एंड पोटाशियम आयोडाइड। अगर इनकी मैं रिएक्शन करवाऊं लेड नाइट्रेट की, पोटाशियम आयोडाइड की, तो क्या चेंजेस हम देखते हैं? कहता है कि जब भी लेड नाइट्रेट होगा, पोटाशियम आयोडाइड होगा, ये क्या चेंज लेके आएंगे? इसमें कहता है कि लेड आयोडाइड बनेगा प्लस में पोटाशियम नाइट्रेट बनेगा। ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है जिसका टाइप हम आगे पढ़ेंगे, अभी टाइप्स के ऊपर मैं नहीं जाऊंगा। ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के अंदर भी आएगी, वो उसका भी एक सब टाइप बनता है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, PPT रिएक्शन है, वो आगे सारी बातें आगे आएंगी हमारे पास। मेन जो बता रहा हूँ, कहता है कि ये कलरलेस होता है, ये भी कलरलेस होता है, ये भी कलरलेस होता है। तीन चीज़ें इसमें ऑलरेडी कलरलेस हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या बना है, एक येलो सॉलिड बना है, येलो सॉलिड की फॉर्मेशन हुई है, ये भी मेजर चेंज हमारे को देखने को मिलता है यहाँ पे। इसकी भी रिएक्शन लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू MgO लिख रहा था, सॉरी अभी हम इक्वेशंस तक नहीं पहुंचे हैं, तो इसको हम इसी की फॉर्म में लिखेंगे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं केमिकल रिएक्शंस के जो हम देखते हैं। इसमें रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट बना, रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट बना, रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट बना, चेंजेस आए, गैस इवोल्यूट हुई, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बनी, येलो कलर का सॉलिड बना, ये सारे कलरलेस हैं, ये येलो कलर का सॉलिड बना। तो इस तरह के चेंजेस हमारे सामने अपीयर होते हैं जिनको हम देखते हैं, जिनको हम समझते हैं। तो
आई थिंक आज हमें इतना रखना चाहिए लेक्चर फर्स्ट में। आगे लेक्चर टू में जिसका नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे अपने केमिकल इक्वेशंस के बारे में, बैलेंसिंग के बारे में, कुछ नई बातें हम आपके सामने लेके आएंगे। तो इसमें अगर एक आधा पॉइंट आप और ऐड करना चाहो तो एक वाइट कलर की ये लेयर होती है, वाइट लेयर होती है, इसको आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। बाकी इसकी एक्टिविटी जो है वो आगे करवाऊंगा, आपको एनसीईआरटी में दी हुई है तो उसमें मोर डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो बेटा जी आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।